उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे बड़ा प्रदेश है। इसमें आपको पूरा हिंदुस्तान दिखाई देगा। आपके लोग बेंगलोर, मुंबई, असम, पूरे देश में जाके अपना खून पसीना देकर काम करते हैं। सबसे बड़ा प्रदेश है हमारा, पानी की कमी नहीं है, सबसे बेहतर जमीन है, मगर किसी ना किसी कारण जिस तेजी से ये प्रदेश को आगे बढ़ना चाहिए उस तेजी से ये प्रदेश आगे नहीं बढ़ता। युवा उत्तर प्रदेश में अपना भविष्य नहीं बना पाता, महाराष्ट्र में जाता है, कर्नाटक में जाता है। अखिलेश ने अच्छा काम किया, गठबंधन के साथ और अच्छा काम होने वाला है और तेजी से काम होने वाला है। किन चीजों पे हम फोकस करेंगे, हमारा लक्ष्य क्या होगा? सबसे पहला लक्ष्य उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश के युवाओं को रोजगार देने का काम यह सरकार करेगी। और आज उत्तर प्रदेश के किसान, हिंदुस्तान के जो किसान के दिल में दर्द है, दुख है, जो किसान दिल्ली सरकार की ओर देखता है, मोदी जी की ओर देखता है, मोदी जी से सवाल पूछता है, मेरी मदद आप कब करोगे, और मोदी जी उनको एक सेकंड अपना समय नहीं देते। तीस दिन उत्तर प्रदेश में मैंने दौरा किया, कर्जा माफी की बात उठाई। नरेंद्र मोदी जी ने 1,10,000 करोड़ रुपया 50 परिवारों का माफ किया है, मगर किसान के लिए वो 1 रुपया कर्जा माफ नहीं कर सकता। अब आप मुझे बताइए, पूरे देश में किसान आत्महत्या करता है, दबा हुआ है, डरा हुआ है, उसे अपना भविष्य नहीं दिखाई दे रहा है। हजारों किसान पूरी जिंदगी दे देते हैं और अंत में जाके इंसेक्टिसाइड खा जाते हैं, आत्महत्या कर देते हैं। एक दिन मैं चीन गया था, चीन में ऑफिशियल फंक्शन था, वहां पे लंच था, खाना हो रहा था, मेरे पास एक उनके नेता बैठे थे, बातचीत शुरू हुई। पता नहीं क्यों हर बार वो बात को हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर पे ले आता था। मैं उससे चीन की बात करूं, दिनेश भाई, वो मुझसे हिमाचल प्रदेश की बात, मेरी चीफ में गैदरिंग के कर दिया। तो मैंने उससे पूछा कि भैया आप मुझे बताइए, आप यहां डिस्ट्रिक्ट के नेता हो, मैं आपसे चीन की बात कर रहा हूं और आप मुझसे हिमाचल प्रदेश की बात कर रहे हो, हिमाचल प्रदेश से आपका क्या लेना देना? आनंद शर्मा जी मेरे पास बैठे थे, वो भी हंस ले कि भाई यहां पे हिमाचल प्रदेश की से इसको कितनी इंटरेस्ट क्यों है। वो मुझे कहता है, राहुल जी मैं आपको बताता हूं,
मेरे डिस्ट्रिक्ट में हम सेब उगाते हैं और हमारे डिस्ट्रिक्ट से पूरी दुनिया में सेब जाता है। हिमाचल प्रदेश में और जम्मू कश्मीर में आपका सेब उगता है, मेरा उनसे कंपटीशन है। मेरी कोशिश है कि मेरा सेब एक दिन हिमाचल प्रदेश जाए, एक दिन जम्मू कश्मीर जाए। तो मैंने उनसे कहा कि भैया बताओ, राजनीति में तुम आगे कैसे बढ़ते हो? सीधा बताता है, जितना सेब मेरे डिस्ट्रिक्ट से एक्सपोर्ट होगा, जितने किसानों को यहां फायदा होगा, उतनी तेजी से मैं आगे बढ़ूंगा। अब आप समझो, यहां मोदी जी की सरकार किसान से कहती है, देखो तुम अकेले हो, बारिश गिरेगी, ओला गिरेगा तो तुम मरो, कर्जे की जरूरत है जाके बैंक के सामने खड़े हो जाओ, भीख मांग लो, बेचना है आपको माल, बेचना है जाओ मार्केट में चले जाओ, बिके ना बिके हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। एक तरफ मोदी जी की सरकार जिसने किसानों को अकेला छोड़ रखा है, जिसके कारण हजारों किसान आत्महत्या कर रहे हैं, और दूसरी तरफ चीन में एक व्यक्ति जो कहता है मेरा पूरा का पूरा लक्ष्य पूरी दुनिया में सेब बेचने का है। मैं ये समझना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में आप लोग क्या कर रहे हो। मैं उनसे कंपटीशन करना चाहता हूं, मैं अपने सेब को वहां भेजना चाहता हूं। ये काम उत्तर प्रदेश क्यों नहीं कर सकता? आपके यहां गन्ना होता है, लखनऊ में आम, भैया ठहर जाइए, आपसे बाद में बात कर लेंगे, बाराबंकी का पेपरमिंट, प्रतापगढ़ का आंवला, अमेठी का टमाटर, इलाहाबाद का अमरूद, क्या उत्तर प्रदेश देश की फूड फैक्ट्री बन सकता है या नहीं?